दोस्तों नमस्कार। प्रकाश एक्सप्रेस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम निकल चुके हैं अभी नीमच के सफ़र पे। देखिए एक लेडीज़ हैं, मैंने इनकी रिकॉर्डिंग की छोटी सी की। ये बेचारी बस में भी बैठी हुई हैं लेकिन इनका हाथ चल रहा है। धन्य है ऐसी माताओं के लिए, को सत सत नमन। दोस्तों नमस्कार, हम प्रयागराज आ चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे हमारी गाड़ी आने वाली है। अभी हम उज्जैन के लिए निकलते हैं, वहाँ से हम नीमच जाएंगे। दूसरे चैनल के लिए हमको शूटिंग करनी है, लेकिन महाकाल के दर्शन भी बीच में हम करेंगे। दोस्तों बने रहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल आपको देख रहे हैं कि स्टेशन बिल्कुल साफ़ सुथरा। और यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ धुलाई चालू है, वहाँ पर पोछा और धुलाई की व्यवस्था। हमको उठ करके वहाँ से आना पड़ा क्योंकि मेरा यमुन में रिजर्वेशन है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए हम आ चुके हैं महाकाल दर्शन के लिए। अभी आप देख रहे हैं कि हम जा नहा धो चुके हैं। सामान देखो ये मेरे पीठ पे टंगा हुआ है, इसलिए कहीं इसको जमा नहीं कर सकते। और चलते हैं अब दुकान पर प्रसाद लेंगे। और ये मेरा भाई एक चल रहा है, ये क्या नाम है आपका? अशोक। आप आइए इनकी दुकान पर कभी भी, चलिए दुकान पर इनके। हमारे अशोक जी हैं और यहाँ पे इनकी दुकान है, ये लगाई हुई दुकान इन्होंने। देखिए फूल माला सारा चीज है। और यहाँ से बस ये गेट, यहाँ पे एंट्रेंस है जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं, यहीं से एंट्रेंस है, यहीं से वापसी है। तो सबसे नजदीक हम ही मिले, आप ही मिल रहे हो मुझे। हैं ये देख सकते हैं, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है। यहाँ भी प्रसाद वगैरह मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। काफी लोग लगे हुए हैं यहाँ, प्रसाद दे रहे हैं। कुछ लोग दर्शन भी करके वापस आ रहे हैं। अब हम मंदिर प्रसन्न में चलते हैं। दोस्तों अभी हम इंटर कर चुके हैं मंदिर में और यहाँ साफ सफाई भी चल रही। देखिए आप, फूल माला प्रसाद हमने ले लिया है। यहाँ पे इन्होंने 101 रुपए का प्रसाद दिया है। और प्रसाद लेकर के अभी हम चलते हैं। देखिए कहाँ तक हम रिकॉर्डिंग कर पाते हैं क्योंकि आगे मंदिर में जमा हो जाना है मोबाइल। सुबह सुबह का समय है, साफ सफाई चल रही है मंदिर में। आप देखिए बहुत शानदार जो है छवि बनी हुई है मंदिर, आप देख सकते हैं ये है सामने मंदिर। अब हमको घूम के वहाँ मंदिर में जाना है। यहाँ पे एंट्रेंस देखिए, यहाँ पे भी जूता स्टैंड है, अगर आप आए तो जूता यहाँ जमा कर सकते हैं। केवल सिर्फ जूते, सामान नहीं जमा होगा यहाँ पे। ये गेट बाहर आ जाने का है, देख सकते हैं यहीं पे आके हम निकलेंगे बाहर। ये आप देख सकते हैं महाकालेश्वर मंदिर दर्शन प्रवेश मार्ग। अभी आगे जाकर के हमको काफी तब अंदर जाना मिलेगा, वहां भी लिखा हुआ श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रवेश मार्ग। और आप देख सकते हैं कितनी भव्य जगह है यहाँ पे, ये अंदर देख सकते हैं बहुत अच्छा। तो यहाँ देख सकते हो ये मोबाइल जमा करने का है, मोबाइल यहाँ उधर जमा करना है, काउंटर नंबर 2 से लेना है, काउंटर नंबर 1 में जमा करना है तो इधर से लेना है। बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी है। और ये हम चल रहे हैं बाहर, ये चलते हैं बाहर। मंदिर के दर्शन जो हमने मंदिर में किया बहुत अच्छा लगा और बड़ी शांति से दर्शन हुआ क्योंकि भीड़ इस समय बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी भीड़ बढ़ रही है, जैसे ही मैं दर्शन कर चुका हूँ उसके बाद भीड़ जो है बढ़ने लग गई है। ये देखिए लाइन लगी हुई है यहाँ जमा करने के लिए। अब आपको श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, जब पहले मैंने रिकॉर्डिंग की थी तब नहीं दिख रहे थे, अभी बहुत सारे श्रद्धालु दिख रहे हैं। दोस्तों अगर आपको उज्जैन आना है तो उज्जैन आने के लिए बाई ट्रेन से लगभग हर जगह से सुविधा है। बाई प्लेन अगर आप आते हैं तो आपको इंदौर आना पड़ेगा। इंदौर से 70 किलोमीटर आपको बाई ट्रेन, बाई बस और बाई कार भी आप आ सकते हैं। जैसे भी आपकी ज़रूरत हो आप आ सकते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन करना है तो ये आपके आने जाने के साधन हो गए। और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था, बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, वहाँ पर अपने कमरे हैं, आप आइए नहाइए धोइए दर्शन करिए। होटल भी बहुत सारे हैं, जो जैसा जिसका भी पैसा हो अफोर्ड कर सके वो अपना ले सकता है। बहरहाल धर्मशालाएं यहाँ पे साफ सुथरी हैं, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जिनमें कि आप जा करके सर्विस ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कैसा आप चाहते हैं, कैसा होटल चाहते हैं, धर्मशाला में पसंद करते हैं। एज यू लाइक एज यू विश, आप आइए दर्शन कीजिए। जय जय महाकाल।
ओके दोस्तों, हम आ चुके हैं, ये हरी गेट है ना भैया, हरी फाटक है। यहाँ पे देखिए हमारे दोस्त हैं। सर आपका नाम बताइए। अनिल कुमार आड़ा है। अनिल कुमार आड़ा जी ने मुझे टिकट दे दिया। देखिए इन्होंने ये पर्ची बनाई हुई है मेरे लिए टिकट, और टिकट मैंने रख लिया है जेब में। 300 रुपए लगे हैं नीमच के लिए। कितना समय लगता है? 4 घंटे नॉन स्टॉप। कितनी देर में आ जाएगी गाड़ी यहाँ पे? 9:20 पे गाड़ी आएगी। अच्छा, मान लो बीच में गाड़ी रुक गई, आपने नॉन स्टॉप बोला है तो नहीं, गाड़ी आपको वहाँ तुरंत सेवा मिल जाएगी रस्ते में। अगर ऐसा कभी होता है भाई मिस्टर, गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो हाँ। गाड़ी अल्टरनेट लग रही है। नॉन स्टॉप का मेरा मकसद था पूछने का कि कोई और बीच में और तो नहीं रुकेगा स्टॉप में? यहाँ से जाने के बाद 10 मिनट का स्टॉप रहता है खाली, एक जगह नाश्ता पानी की, बस वही मैं पूछना चाहता था। देखिए भाई साहब भी हमारे हैं, ये भी हमारे साथ ही चले। आपको कहीं भी अगर जाना है तो हरी फाटक आना पड़ेगा लवी ट्रस्ट के, ऑल टू जेड गाड़ी के लिए। मतलब उज्जैन में आपको हरी फाटक आना पड़ेगा लवी ट्रस्ट। ऐसा क्यों, यहीं से क्यों, बस स्टेशन नहीं है? नहीं, बस स्टैंड है, पर नॉन स्टॉप गाड़ी सभी यहीं से आती है, और सब अल्टरनेट, ये जितनी भी गाड़ी आती है बाहर की सब यहीं से मिलती है। जी जी, थैंक यू, जी वेलकम। दोस्तों किस अनिल भाई का नंबर चल रहा है। अनिल भाई, जैसे हमारे दोस्त जो हैं, व्यूअर्स जो देख रहे हैं वीडियो, अगर वो आपसे बात करके आप बुकिंग कराना चाहें तो आप उनकी मदद करेंगे? नहीं, फोन ही नहीं उठाएंगे? नहीं नहीं, मानो के कस्टमर ने किसी मेरे को फोन लगाया, उसका सीट बुक हो जाएगा, पेमेंट नहीं आके जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, हरी फाटक पे आ गए, टाइम बता दिया है। टाइम बता दिया, जैसे जब भी जाना है टाइम वो फोन लगा देंगे। तो यहाँ से आपके पास से कहाँ कहाँ के लिए बसें मिलती हैं? अपने पास ऑल टू जेड जाती है, बम्बई दिल्ली के लिए भी जाती है, यहाँ से जोधपुर उदयपुर जयपुर के लिए भी है, कोटा के लिए भी है। अटेंडम में अगर कोई चाहे तो आपसे टिकट ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। लखनऊ कानपुर। अच्छा, लखनऊ कानपुर भी है? इसे कानपुर के लिए भी, नागपुर के लिए भी, पुणे के लिए भी, मुंबई के लिए भी है। वाह सुपर यार, तब तो हमने बहुत अच्छी जगह पहुंच के रिकॉर्डिंग किया है। कहाँ भी जा सकते हैं। जी धन्यवाद।